May her Baba,
नाही तो महंत साधु नाही संत नाही तो महंत दिव्य रूपिया मी पाहिला अनंत दिव्य रूपिया Thank you.
को महंत। आता सकला या वे दर्शन
राहो निरंतर से मंगल सुचित शुभंकर जीवन मुचा राहो निरंतर वचन प्रतापा
लटकाए, होनी तो आनी है आए। चिंता छोड़ो झूमो खुशी से, लूट लो में है प्रेम लुटाए। फलेगा और बढ़ेगा, फूलेगा फलेगा और बढ़ेगा। पथिकों को ये छाया देगा, पथिकों को ये छाया देगा। कल ये बनेगा एक महास्थल, आँखों से पर ना हो ओझल। शैशव इसका भोला भाला, शैशव इसका भोला भाला। डोला डोला रे मन मोरा डोला, मन उमंग का झूले झूला। डोला डोला रे मन मोरा डोला। प्रभुताई प्रभु ने ऐसी धारा बहाई। रिक्त कभी ना होता प्याला, रिक्त कभी ना होता प्याला। डोला डोला रे मन मोरा डोला, मन उमंग का झूले झूला। डोला डोला रे मन मोरा डोला। उत्सव ये प्रेम का है अलबेला, लला लला ला। उत्सव ये प्रेम का है अलबेला, मेहर के घर आनंद मेला। मेहर के घर आनंद मेला। प्रशांति ना मौका गवा दो, प्रेम की आग को और बढ़ा दो। प्रशांति ना मौका गवा दो, प्रेम की आग को और हवा दो। और बढ़ा दो शोला शोला, और बढ़ा दो शोला शोला। डोला डोला रे मन मोरा डोला, मन उमंग का झूले झूला। डोला डोला रे मन मोरा डोला, मन उमंग का झूले झूला। डोला डोला रे मन मोरा डोला, डोला डोला रे मन मोरा डोला। डोला डोला रे मन मोरा दुहाई।
जन्म दिवस जन्म दिवस।
सपनों में सोया है ललना। हल्के हल्के धीरे से झुलाओ पालना, मीठे मीठे सपनों में सोया है ललना। हल्के हल्के धीरे से झुलाओ पालना, मीठे मीठे सपनों में सोया है ललना। हो झूलना झूलावे सखियन मिल, झूलना झूल
प्रभु मुख चंद्र ताके है सखिया प्रभु मुख चंद्र लोरिया सुनावे सब मिल जुल लोरिया सुनावे सब मिल जुल ललना सुहावे हलत ही डोल ललना सुहावे हलत ही डोल झूले ना झूलावे सखियन मिल झूले ना झूलावे सखियन मिल सेज सखियन मिल जब लागी खोई सुध बुध सारी मेहर नाम के मधुर सुरों ने व्यापी दुनिया सारी मैं बौराया सुध बुध खोया देखी मूरत प्यारी जन्म जन्म की सारी तपस्या हो गई पल में
पूरी। मेरे मन में हो आठो पहर, मेरे मन में हो आठो पहर, धुन लागी मेहर ये मेहर, धुन लागी मेहर ये मेहर, धुन लागी मेहर ये मेहर, मेरे मन में हो आठो पहर, मेरे मन में हो आठो पहर, धुन लागी मेहर मेहर, धुन लागी मेहर मेहर, धुन लागी मेहर मेहर। मेरा जीवन ऐसा होवे हर पल में हर गाए, मेरा जीवन ऐसा होवे हर पल मेहर गाए, सुन के जन जन सुध बुध खोए, प्रेम की अगन लगावे, सुन के जन जन सुध बुध खोए, प्रेम की अगन लगावे, परमानंद ज्ञान मंदिर में, परमानंद ज्ञान मंदिर में, आन विराजे मेर, धुन लागी मेहर मेहर, धुन लागी मेहर मेहर, धुन लागी मेहर मेहर, परम सने ही सब सुख दाता मेहर दीन दयाल, परम स्नेही सब सुख दाता मेहर दीन दयाल, जो भी आए चरण में उसका टूटे माया जान, जो भी आए शरण में उसका छूटे माया, तेजोमय सुख शांति आवे, तेजोमय सुख शांति आवे, होगी उनकी मेहर, धुन लागी मेहर ही मेहर, धुन लागी मेहर ही मेहर, धुन लागी मेहर ही मेहर। धर्म न जाति पंथ न पाती सब दुविधा मिट जाए, धर्म न जाति पंथ न पाती सब दुविधा मिट जाए, एक प्रभु की सब है माया भेद सभी मिट जाए, एक प्रभु की सब है माया भेद सभी भूल जाए, मधुसूदन निश्चिंत भयो है, मधुसूदन निश्चिंत भयो है, आए था में मेहर, मेरे मन में हो आठो पहर, धुन लागी मेहर मेहर, धुन लागी मेहर मेहर, धुन लागी मेहर मेहर, धुन लागी मेहर धुन लागी, धुन लागी मेहर धुन लागी।
लागी मेहर धुन 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 लागी ओम परब्रह्म परमात्मा 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 या यजदान या यजदान बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि
बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि ओ गॉड फादर इन हेवन O God, Father in heaven, 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 O God, Father in heaven. La ilaha illallah 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 Tar Meher Baba Ki Jai O Pavadiga, the preserver and protector of all, you without beginning and without end, non-dual, beyond comparison, and none can measure you. You're without color, without expression, without form, and without attributes. You're unlimited and unfathomable, beyond imagination and conception, eternal and imperishable. You're indivisible, and none can see you but with eyes divine. You always were, you always are, and you always will be. You are everywhere, you are in everything, and you're also beyond everywhere and beyond everything. You are in the firmament and in the depths. You manifest and unmanifest on all planes and beyond all planes. You are the three worlds. And also beyond the three worlds. You're imperceptible and independent. You are the creator, the Lord of Lords, the knower of all minds and hearts. You're omnipotent and omnipresent. Your knowledge infinite, power infinite, and bliss infinite. You are the ocean of knowledge. All knowing, infinitely knowing, the know of the past, the present, and the future, and you are knowledge itself. You're all merciful and eternally benevolent. You are the soul of souls, the one with infinite attributes. You are the trinity of truth, knowledge, and bliss. You are the source of truth. The ocean of love. You are the ancient one, the highest of the high. You are Prabhu and Parmeshwar. You are the beyond God and beyond beyond God also. You are Parabrahma, Allah, Ilahi, Yastan, Aurmas, and God the Beloved. You are named Izzat, the only one worthy of worship. Avtar Meher Baba Ki Jai. हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है. तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो, और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है. तुम्हारा कोई रंग और कोई रूप नहीं है. तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो.
तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंडनीय हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश मंडल में हो और महासागर की गहराइयों में हो। तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो, तुम सब लोकों पर हो और समस्त लोकों से परे भी हो। तुम तीनों जगतों में हो और तीनों जगतों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो, तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो, तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सदैव हितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो, तुम परब्रह्म हो और परात्पर परब्रह्म भी हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो, अहुर्मज्द हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम एजद अर्थात एकमात्र पूज्य है। अवतार मेहर बाबा की जय। हे परवरदिगार, सर्वांचं पालन करणारा आणि रक्षण करणारा तू अनादि व अनंत आहेस। तू अद्वैत आणि तुलनातीत आहेस। तुझा थांग कोणालाही लागू शकत नाही। तुझ्या ठाई रंग नाही, अभिव्यक्ती नाही, रूप नाही, तसेच गुण देखील नाहीत। तू अमर्याद आणि अगाध आहेस। तर्क व कल्पना या पलीकडे आहेस। तू सनातन व अविनाशी आहेस। तू अविभाज्य आहेस। दिव्य दृष्टीशिवाय तुला कोणीही पाहू शकणार नाही। तू सतत होतास, तू सतत आहेस आणि सतत राहशीलही। तू सर्व ठिकाणी आहेस, सर्वात आहेस आणि सर्व ठिकाणांच्या व सर्वांच्या पलीकडे आहेस। तू आकाश मंडळात आहेस आणि पाताळात आहेस। तू व्यक्त आणि अव्यक्त आहेस आणि सर्व भूमिकांवर तसेच सर्व भूमिकांच्या पलीकडेही तूच आहेस। तू तिन्ही भुवनात आहेस आणि त्रिभुवना पलीकडे आहेस। तू अगोचर असून स्वतंत्र आहेस। तू विश्वकर्ता व देवदेवेश्वर आहेस। तू सर्व मनांचा आणि हृदयांचा ज्ञाता आहेस। तू सर्व शक्तिमान व सर्वव्यापी आहेस। तू अनंत ज्ञान, अपरिमित शक्ती आणि असीम आनंद आहेस। तू ज्ञान सिंधू आहेस, सर्वज्ञ व अनंत ज्ञानी आहेस। भूत वर्तमान आणि भविष्य यांचा तू ज्ञाता असून स्वयमेव ज्ञानच आहेस। तू दयेचा सागर असून सदैव कल्याणकारी आहेस। अनंत गुणांनी नटलेला तू आत्म्यांचा आत्मा आहेस। सत्य ज्ञान आणि आनंद यांची त्रयी तू आहेस। तू सत्याचा उगम असून प्रेमाचा सागर आहेस। तू आदिपुरुष असून श्रेष्ठाहून श्रेष्ठ आहेस। तू प्रभू आणि परमेश्वर आहेस। तू परमदेव असून परात्पर परमात्मा आहेस। तू परब्रह्म आहेस। तू अल्लाह, इलाही, यजदान, अहुर्मस्त आणि प्रियतम परमेश्वर आहेस। तुला एजद अर्थात एकमेव पूजनीय असे म्हणतात। ओ परवरदिगार, तू सगळ्यांनो पालक आणि रक्षक छे। तने शुरुआत नथी
તને આખીર નથી, તું અદ્વૈત અનુપમ અને અમાપ છે, તું રંગ રાગ રૂપ અને ગુણ વગરનો છે, તું બેહદ અને અથાગ છે, કલ્પના અને સમજની સમજશક્તિની પર છે અને અનંત અને અમર છે, તું અખંડ છે અને દિવ્ય ચક્ષુ સિવાય કોઈ તને જોઈ શકતું નથી, તું હંમેશા હતો, હંમેશા છે અને હંમેશા રહેશે, તું બધે બધ છે, તું બધામાં છે અને વણી અને બધે બધ અને બધાની પર છે, તું આકાશમાં છે, તું પાતાળમાં છે, તું જાહેર છે, તું બાતેન છે, સર્વલોકના અને સર્વલોકની પર છે, તું જ ત્રણેય ભુવનોમાં છે અને ત્રણો ભુવનોની પર બી તું જ છે, તું અનહિત અનદિઠ અને સ્વતંત્ર છે, તું સર્જનહાર છે, માલિકોનો માલિક છે અને અંતર્યામી છે, તું સર્વશક્તિમાન હોય સર્વજ્ઞ છે, તું અનંત જ્ઞાન અનંત શક્તિ અને અનંત આનંદ છે, તું જ્ઞાનનો દરિયાવ છે, સર્વજ્ઞાની અને મહાજ્ઞાની છે, તું ત્રિકાળ જ્ઞાની છે અને સ્વયંભૂ જ્ઞાન બી તું જ છે, તું મહાદયાલુ અને પરમ કૃપાલુ છે, તું આત્માઓની આત્મા છે અને અનેક ગુણોવાળો તું જ છે, તું સચ્ચિદાનંદ ત્રિમૂર્તિ છે, તું સત્યનો મૂળ અને પ્રેમનો મહાસાગર છે, તું સનાતન પુરુષ છે, સર્વોત્તમ છે, તું પ્રભુ અને પરમેશ્વર છે, તું પરમાત્મા છે અને પરાત્પર બી તું જ છે, તું જ પરબ્રહ્મ છે, તું અલ્લાહ ઇલાહી યઝદાન અહરમઝદ સર્વશક્તિમાન ખુદા અને પ્યારો ખુદા બી છે, યજ તારું નામ છે અને સ્તુતિનો લાયક એવો ફકત તું એક જ છે. અવતાર મહેર બાબા કી જય. હેપી બર્થડે ટુ યુ, હેપી બર્થડે ટુ યુ, હેપી બર્થડે ડિયર બાબા, હેપી બર્થડે. તુમ જીઓ હજારો સાલ સાલ કે દિન હો પચાસ હજાર. હેપી બર્થડે ટુ યુ, હેપી બર્થડે ટુ યુ, હેપી બર્થડે ડિયર બાબા, હેપી બર્થડે ટુ યુ, હેપી બર્થડે ડિયર બાબા, હેપી બર્થડે. Thank you.
अवतार मेहर बाबा की जय। हमारे प्रियतम अवतार मेहर बाबा का 127वां जन्मदिन, उनकी सालगिरह आज हम 25 तारीख 2021 को एक अनोखे प्रकार से आभासी रूप से मना रहे हैं, क्योंकि मौजूदा परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि हम इकट्ठा हो नहीं सकते या एकत्र हो नहीं सकते या आ नहीं सकते। तो इस आभासी कार्यक्रम में हमारे साथ आज जो भी जुड़ रहे हैं, तो उन सभी बाबा प्रेमियों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और उन्हें जय बाबा कहते हैं। 10 जुलाई 1925 को मेहर बाबा ने अपना मौन प्रारंभ किया, लेकिन अपना मौन प्रारंभ करने से पहले मेहर बाबा ने ऐलान किया था कि वो कुछ दिनों के बाद कुछ काल के लिए मौन रहेंगे। और बाबा के जो प्रेमी थे या अनुयायी थे, उनको तब एक आशंका मन में पैदा हुई कि क्या बाबा सचमुच इस मौन को निभा पाएंगे, क्योंकि सभी बाबा के स्वभाव से परिचित थे और बाबा का जो स्वभाव था, बाबा का जो वर्तन था, वो बड़ा ही जोशपूर्ण और हमेशा फुर्तीला ऐसा रहता था, और सुस्ती तो बाबा से कोसों दूर रहती थी। तो इन हालातों में क्या बाबा के लिए मौन रहना मुमकिन हो सकता है या संभव हो सकता है या नहीं, ऐसी आशंका अनेक प्रेमियों के दिल में तब पैदा हुई थी। और उनमें से एक ने बाबा को ये मशविरा भी दे दिया कि बाबा, जब आप मौन रखेंगे तो एक काम करिए कि अपना मुंह जो है वो आप किसी कपड़े से या कपड़े की पट्टी से ढक लीजिए, ताकि आपको हमेशा ये याद हो कि आप मौन हैं। अब तक बाबा ने इस बात को हंसकर टाल दिया था, और देखिए आज उस घटना के 95 वर्ष बाद, अब इसे आप अवतार मेहर बाबा की दैवी लीला कहिए या एक आध्यात्मिक विरोधाभास कहिए या फिर ईश्वर का कार्य कहिए, कि आज पूरी दुनिया अपने मुख पर मास्क या एक कपड़े की पट्टी लगाकर घूम रही है। जब कोई भी नया वर्ष आता है तो हम बड़े ही उल्लास के साथ, जोश के साथ उसका स्वागत करते हैं, लेकिन 2020 एक ऐसा वर्ष था कि उसे रुखसत करने में, उसे विदा करने में हमें बहुत ज़्यादा हर्ष हुआ था। और मेरे विचार से जो भी हालात थे, जो भी परिस्थितियाँ थी, 2020 ये साल इतना भी नकारा या बेकार नहीं था, इतना भी व्यर्थ नहीं था जितना कि हम समझते हैं, क्योंकि इस वर्ष ने मेरे दृष्टि से अनेक ऐसे आध्यात्मिक पाठ हमें सिखाए हैं या ऐसी कई बातों को फिर से उजागर किया है जिन बातों को हम भूल गए थे। 2020 की ये कोरोना की संक्रमणशील बीमारी के कारण स्मरणीय या अस्विस्मरणीय रहा। हम विद्यमान अवतार के प्रेमी हैं और जानते हैं कि दुनिया में कोई भी घटना घटित होती है तो अवतार के मर्जी के बिना तो घटित नहीं हो सकती। हम ये भी कहते हैं कि वृक्ष का एक पत्ता भी ईश्वर की मर्जी के बिना हिल नहीं सकता। तो अगर दुनिया में ऐसी कोई उलट पुलट होती है तो स्वाभाविक है कि ये सब बाबा की दैवी दृष्टि के अंदर, बाबा की नज़र के सामने, बाबा की निगरानी में सब कुछ हो रहा है, और किसी खास वजह से, किसी विशेष कारण के लिए हो रहा है। लेकिन इस सारे दौर में हमारे बाबा प्रेमियों में से भी कई लोगों के मन इतनी चिंता से और आशंका से घिरे हुए थे कि हमको प्रायः यही लगता था कि इस बाधा से या इस आपत्ति से हम कैसे बचे। और जो एक विश्वास हमारे मन में होना चाहिए था कि जो भी हो रहा है,
बाबा की मर्जी से हो रहा है, और एक बाबा प्रेमी होने के नाते मेरा ये परम कर्तव्य है कि मैं बाबा की मर्जी को शरण जाऊं, क्योंकि बाबा की मर्जी विश्व का कायदा है। ये विश्व को सुचारू रूप से बाबा की मर्जी ही चलाती है, और ये बाबा प्रेमी होने के नाते मेरा एक फ़र्ज़ है, मेरा एक कर्तव्य है कि मैं इस मर्जी को अपने जीवन में अपना लूं, और इस मर्जी को मर्जी में मैं बड़ी सरलता से बहता रहूं। लेकिन जब इस तरह की विपदा की परिस्थिति आती है तब हमारे पांव थोड़े डिग जाते हैं। मेरे विचार से 2020 ने हमें ये एक पाठ सिखाया, एक आध्यात्मिक पाठ सिखाया कि हमें बाबा की मर्जी के सदैव अधीन रहना चाहिए और उसी में बहना चाहिए। जब दूसरा महायुद्ध समाप्त हुआ तब एक दिन बाबा अपनी स्त्री मंडली के साथ बैठे हुए थे, और बाबा दूसरे महायुद्ध के आध्यात्मिक अन्वयार्थ को समझा रहे थे, और तब बाबा ने ये कहा कि दूसरा महायुद्ध जो हुआ उसका होना अनिवार्य था, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि ये मानवता के शुद्धिकरण की प्रक्रिया का एक भाग है। लेकिन इसके आगे जाकर बाबा ने यह कहा कि ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो है वो अभी तक पूर्ण नहीं हुई है, और इसका जो अगला हिस्सा है उसको अंजाम देने के लिए हो सकता है कि तीसरा महायुद्ध छिड़ जाए, या फिर छोटी छोटी नैसर्गिक आपत्तियां, नैसर्गिक विपदाएं, छोटे छोटे युद्ध, छोटी छोटी बीमारियां, इस तरह से कोई भौगोलिक उथल पुथल, इन सभी जरियों के द्वारा ये जो शुद्धिकरण है वो शुद्धिकरण को हम उसको एक मूर्त रूप दे सकते हैं। और जब बाबा ने ये दो विकल्प अपनी स्त्री मंडली के सामने रखे तो स्त्री मंडली जो थी वो दूसरे महायुद्ध के विनाश से, भयकारी विनाश से काफ़ी चिंतित हो गई थी। तो उन्होंने एक सुर में बाबा से कहा कि बाबा अब तीसरा महायुद्ध टाल दीजिए, और आपने जो दूसरा विकल्प बताया है कि जो भी उथल पुथल हो या छोटे मोटे युद्ध हो इनके जरिए आपको जो भी शुद्धिकरण का काम करना है आप उसे कर दीजिए। बाबा ने जवाब में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे विचार से ये जो कोरोना की महामारी है वो हो सकता है, संभवतः वो इसी शुद्धिकरण की प्रक्रिया का एक भाग है, और जो कि बाबा की निगरानी के साथ साथ हो रहा है। ये जो वर्ष है इसमें हमने देखा कि एक जो बात महामारी में हमारे समझ में आई, और मानवीय शुद्धिकरण की बात जो बाबा कहते हैं उसमें एक बात समझ में आई कि जैसे जैसे मानव की उपलब्धियां बढ़ती हैं उसी अनुपात से उसका जो अहंकार है, उसका जो ईगो है वो भी बढ़ता जाता है, और फिर ये आवश्यक हो जाता है कि अवतार इसमें हस्तक्षेप करे, अवतार इस मानव के इस ईगो को, इस अहम को थोड़ी कटौती करे ताकि दुनिया सुचारू रूप से ईश्वर की आज्ञा के अनुसार चलती रहे। अब देखिए कि इस वर्ष की ये जो संसर्गजन्य बीमारी थी जो कि एक दूसरे के करीब आने से बुरी तरह से फैल सकती थी, तो उससे हमारे व्यवहारों पर और हमारी गतिविधियों पर काफ़ी निर्बंध आ गए। 1954 में सतारा में जब मेहर बाबा ने अपनी वर्णमाला तख्ती का त्याग किया था, अल्फाबेट बोर्ड का त्याग किया था, तब बाबा ने अल्फाबेट बोर्ड पे जो आखिरी संदेश दिया उसमें बाबा ने कहा था कि तुम्हारे और मेरे यानी प्रीतम और प्रेमी के बीच में आंतरिक बंध जो है उनका सुदृढ़ होना, उनका बलशाली होना एक बहुत ज़रूरी बात है। और बाबा फिर कहते हैं कि एक बार ये आंतरिक नेहा बन जाता है, ये आंतरिक बंध अनुबंध तैयार हो जाता है, तब बाहरी संबंधों की कोई आवश्यकता नहीं रहती। अब इस बात को महामारी ने या कोरोना ने या इस 2020 साल ने
जितना उसको टटोला उतना शायद ही इतिहास में किसी वर्ष ने टटोला होगा, क्योंकि सारे जो मेहर बाबा के संपर्क में रहने के जो सारे बाह्य माध्यम थे वो सारे माध्यम एक के बाद एक बंद होते गए। मेले बंद हो गए, साप्ताहिक सत्संग बंद हो गए, और जो एक परमोच्च साधन है हमारा मेहर बाबा के साथ जुड़ने का, बाबा की समाधि, वो समाधि तक बंद हो गई। तो उसके बाद में हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा सिवाय इसके कि हम अपने हृदय में मेहर बाबा को टटोले और मेहर बाबा की खोज या मेहर बाबा के साथ जो आंतरिक बंध हमें निर्माण करने हैं उसको हम वहाँ निर्माण करें। तो मेरे विचार से ये जो 2020 साल था उसकी ये और एक आध्यात्मिक सीख थी कि मेहर बाबा के साथ हमारे जो आंतरिक बंध हैं उसको, उसके तरफ हमें ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, ताकि ये संबंध अधिकाधिक दृढ़ बनते रहें। और इन आंतरिक बंधों को अगर हमको स्थायी बनाना है तो उसका एकमात्र यही उपाय है कि हमें मेहर बाबा का सदैव स्मरण करते रहना चाहिए। बाबा ने अपने स्मरण के बारे में एक बार कहा था कि आप इस कदर इस प्रकार मेरा स्मरण करिए कि अगर आपको गहरी निद्रा से कोई जगा दे तो आप मेरा नाम लेते हुए निद्रा से जगें। आगे जाकर बाबा ये भी कहते हैं कि अगर आपके देह की चेतना छूट जाए तो आपकी नाम जप का या आपके संस्मरण का मोमेंटम, उसकी गति ऐसी होनी चाहिए कि मेरा नाम जो है वो अपने आप चलता रहना चाहिए। तो अगर हमको मेहर बाबा के साथ जो आंतरिक बंध सुदृढ़ करने हैं उसका जो बहुत ही सक्षम उपाय जो है वो है कि हमें मेहर बाबा की हमेशा याद करते रहना चाहिए। और एक बात की तरफ हम अगर गौर करेंगे तो हमें इसका एहसास होगा कि इस वर्ष में हमारी जो एक दूसरे के साथ जो भी व्यवहार होते थे उनमें काफ़ी निर्बंध आ गए। लोग एक दूसरों के घरों में जाना टालने लगे, लोग बाहर जाना टालने लगे, और इसके कारण मेरे विचार से ये हुआ कि संस्कारों का जो आदान प्रदान होता है, अपने संस्कारों का आदान प्रदान कैसे होता है, हम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, आप संस्कार देते हैं, कुछ उठाते हैं, और इस तरह से हमारे संस्कार जो है उनका जखड़ना और झड़ना, ये प्रक्रिया शुरू रहती है। लेकिन इस प्रकार के निर्बंध आ जाने के बाद अब ये संस्कारों का जो आदान प्रदान है उसका ये सिलसिला जो है वो कैसे चलता रहे। तो उस दिन मैं यही सोच रहा था कि ये और एक मौका था जो बाबा ने हमारे सामने दिया, हमारे सामने उसको उजागर किया कि जब हम भावनिक दृष्टि से और हमारे मेंटली यानी हमारे मानसिक रूप से जब मेहर बाबा के साथ जुड़ जाते हैं तब ये संस्कार बनने की और उनके विघटन की जो प्रक्रिया है वो एक अधिक गति प्राप्त कर लेती है। मानो कि आप किसी हाईवे पे यात्रा कर रहे हों और आपके आसपास कोई गाड़ी नहीं है, क्योंकि अब आप सिर्फ मेहर बाबा की निगरानी के अंदर अपने संस्कारों का इस्तेमाल कर रहे हों या उनका पुनर्गठन कर रहे हों। तो ये मेरे विचार से 2020 की एक बहुत ही आध्यात्मिक उसके जो अंग है, तो ये अंगों को हमको स्वीकार करना चाहिए और 2020 को इतना भी हमें नकारा नहीं समझना चाहिए। और एक बात, आजकल एक चलन हो गया है, आपको शायद पता हो नहीं पता हो, लेकिन आजकल कई व्यक्ति ये जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जिसे कहते हैं, जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, इसके बहुत आदी हो चुके हैं, और इसलिए कई बार ये लोग जो है वो डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन में चले जाते हैं। मतलब उसको आप जो भी हिंदी में कहना चाहे कि इन सभी चीज़ों से बलपूर्वक जानबूझकर दूर रहते हैं ताकि वो उसके आदि ना हो जाए या उसके बिना जीने की जो आदत है वो बनी रहे। एक दूसरा दौर आप देखेंगे कि आजकल हम जैसे
उपभोक्तावाद कहते हैं या कंज्यूमरिज्म जो कहते हैं, वो भी अपनी चरम सीमा पर है। हम जब छोटे थे तो जब शाम को कुछ टहलने जाते थे तो अब हम हमारी जो बिल्डिंग थी उसके टेरेस पे चले जाते थे, या नीचे गार्डन था, एक एक बाग थी उसमें चले जाते थे, या दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ रास्ते पे घूम लेते थे। आजकल जो बच्चे हैं या जो जो बुज़ुर्ग है वो भी, अगर उनको कहीं अपना समय बिताना है तो लोग मॉल में चले जाते हैं, और मॉल में चले जाने के बाद जो इच्छा और अपनी ज़रूरत, इसमें जो भेद है, जो भी बहुत ही सूक्ष्म भेद है, वो मॉल में चले जाने के बाद पूरी तरह से मिट जाता है। और हम कई बार ऐसे ऐसे चीज़ें उठा लेते हैं जो फिर अगले 6 महीने तक हम उनको उनके पास देखते नहीं। तो ये जो एक उपभोक्तावाद है, इसके ऊपर स्वाभाविक रूप से निर्बंध आ गए इस 2020 साल में महामारी की वजह से, क्योंकि लोगों का बाहर जाना ही बंद हो गया। तो बाहर जाना बंद हो गया तो लोग अपनी ज़रूरतों का ज़्यादा ख्याल करने लगे, ना कि अपनी इच्छाओं का या अपेक्षाओं का। तो ये जो आजकल कई लोग ये विचार कर रहे हैं, जो भी इन्वायरमेंटलिस्ट है, जो भी समाजशास्त्री है, इस बात का विचार कर रहे हैं कि ये जो एक चलन नया तैयार हुआ है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये एक कंज्यूमरिज्म का निर्विषीकरण, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ कंज्यूमरिज्म, तो ये निर्विषीकरण की जो प्रक्रिया है उसको हम कैसे आगे बढ़ाए या उसको कैसे हम स्थायी रखें, इसके बारे में काफ़ी लोग विचार कर रहे हैं। तो मेरे विचार से ये जो 2020 है उसने हमें कई आध्यात्मिक पाठ सिखाए हैं, और उसके लिए हमें उसका शुक्रगुजार रहना चाहिए। एक अंतिम बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो हो सकता है कि आपको विचित्र लगे, लेकिन अगर आप किसी भी देश में, या आपने कोरोना के बारे में तो हमें पढ़ना ही पड़ रहा था, उसमें कोई हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो कोरोना के बारे में जो आपने पढ़ा होगा तो उसका जो फैलाव होता है, वो जो बढ़ता है, तो उसमें 4 फेजेस या 4 स्तर बताए गए हैं। पहले स्तर पे जो विदेश से आए हुए लोग थे और उनके संपर्क में जो उनके बिल्कुल निकट के, उनके कुटुंब के, परिवार के जो सदस्य थे, उनको इस कोरोना का संसर्ग हुआ। उसके बाद में दूसरे स्तर पर इन लोगों के संपर्क में आने वाले अन्य लोग, जो कि उनके दोस्त हो सकते हैं, उनके दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं, जिन लोगों के साथ उनका संबंध आता है, जैसे कोई दुकानदार हो, कोई काम करने वाला हो, ऐसे अन्य लोग जो कि मैं कहूँगा कि थोड़ा दूरी से इनके संबंध में आते हैं, तो उन लोगों को कोरोना की बाधा हो जाती है। ये होता है दूसरा स्तर। तीसरे स्तर पर मात्र ये जो फैलाव है, ये जो कोरोना का प्रसार है, वो पूरे कस्बे या कम्युनिटी में हो जाता है। कस्बे से बढ़कर भी कम्युनिटी, यानी आप जो समाज में रहते हैं, जो आपका गुट है, उस गुट में इस कोरोना का फैलाव हो जाता है। और जो चौथा, और ये जो फैलाव है वो इतना ज़्यादा होता है तीसरे स्तर पर, कि जिसे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कहते हैं, कि आपको कोरोना किसकी वजह से हुआ, ये बहुत खोजना बहुत मुश्किल हो जाता है। और चौथा स्तर तो बहुत ही भयंकारी स्तर होता है, कि जिसमें देश प्रदेश में कोरोना फैल जाता है। तो ये जो 4 स्तर है, अब इन 4 स्तरों की तुलना, या इन 4 स्तरों को आप मेहर बाबा के प्रकटीकरण के साथ जोड़िए। जब मेहर बाबा कार्यरत थे अपनी आरंभिक काल में 1920-1930, तब बाबा ने बहुत ही चुनिंदा लोगों को अपना शिष्य बनाया, अपना अनुयायी बनाया, उनके पास रखा। अब इन शिष्यों के जो जानने वाले थे, उन शिष्यों के जो पारिवारिक सदस्य थे, इनके जो मित्रगण थे, वो फिर धीरे धीरे बाबा के पास खींचे चले आए। बाद में ये जो बाबा ने दर्शन देना शुरू कर दिया, बाबा ने यहाँ वहाँ यात्रा करना शुरू कर दिया, तो बाबा के प्रेम का जो प्रभाव है वो और फैला। इससे समाज बाधित हो गया और हम तीसरे स्तर पे पहुँच गए। अब मेरे विचार से हमको, यानी मेहर बाबा हमको चौथे स्तर पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर हम अब हम मैं अगर मेरा उदाहरण देखता हूँ, तो मैं चूंकि बाबा की परिवार में जन्म हुआ मेरा, इसलिए मैं जन्म से ही
मेहर बाबा के प्रेम से बाधित था। लेकिन अब मेरे विचार से हम तीसरी और चौथी अवस्था के बीच में खड़े हैं और कई लोग आज बाबा के प्रेम से बाधित हो चुके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाधित हो रहे हैं। और ये समय है कि अब मेहर बाबा का जो यूनिवर्सल मैनिफेस्टेशन जिसे हम कहते हैं वो जब होगा तो पूरी दुनिया, चाहे फिर आपने माया का टीकाकरण करवाया हो ना करवाया हो, माया के चकोट से, माया के बंधन से आप अपने आप मुक्त हो जाएंगे जब मेहर बाबा का ये जो मैनिफेस्टेशन है, पब्लिक मैनिफेस्टेशन जिसको मैं चौथे स्तर का प्रभाव कहता हूँ, वो हमारे सामने आएगा। और सभी बाबा प्रेमियों का ये कर्तव्य है कि जिन बाबा प्रेमियों को के या बाबा एडमायरर्स के संपर्क में आते हैं उनके सामने बाबा का जो अस्तित्व है या बाबा का जो स्थान है उसको बिना झिझक उनके सामने रखें और अपने आप को तैयार करें ताकि जब बाबा का मैनिफेस्टेशन हो जाएगा तब हमारा जो, जैसे बाबा हमसे कहते हैं कि हमारा जो कनेक्शन है पावर हाउस के साथ वो बना रहे ताकि हमारे जीवन में भी प्रकाश हो। इसी शुभकामना के साथ मैं आज का संभाषण यहीं पे समाप्त करता हूँ। अवतार मेहर बाबा की जय।
रोशन रोशन आंखें तेरे उजले जिनसे रहे मेरी हर नई जिंदगी के पन्नों को लिखे अब माया के बने तो बने देवर दिखे जय हो जय हो लगन से पूरे मन से आंगन सींचा कई बार हमने घटता जाए सुकून मेरा बढ़ता जाए जुनून मेरा हो नई जिंदगी के पन्नों को लिखे आओ बीती झूठी जिंदगी प्रशांत रखे जय हो जय हो जय हो जय हो जरी रोज एकदाच
पूरे आई का चाटें पूरे झाली आता शोभा पूरे आई का चाटें पूरे झाली आता शोभा ध्यान मनात पाहतो गिरवी तो मेहर बाबा ओ ओ दे आयुष्य जो कुनी ओ त्या अक्षरात पाच नाम ऐसे घे देवाचे जरी रोज एकदाच उतरुनी भार ओ, 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 ओ काय हिऱ्यास सोडुनी ओ, ओ, ओ कुणी कवळा विकाच नाम ऐसे के देवाचे जरी रोज एकदाच ओ, ओ, ओ प्रेम धुंदित प्रशांता ओ वेडा होनी अनाच नाम ऐसे घे देवाचे जरी रोज एकदाच परी देवाचा ही देही यार की मैं
सब तमाशी कर चुका तू अरे ये भी तमाशा कर के दे यार की मर्जी के ताबे यार का दम भर के दे यार की मर्जी के ताबे यार तेरा है तो फिर सारी है तेरी कायनात यार तेरा है तो फिर सारी है तेरी कायनात सबको अपना कर दुश्मन खुदा पर अक्ल के दुश्मन खुदा पर भी भरोसा कर के दे अक्ल के दुश्मन खुदा पर भी भरोसा कर के दे यार की मर्जी के तामे यार की मर्जी के ताबे। ओ
एक सभी
दिवस है अभिनंदन है अभिनंदन है अभिनंदन है प्रभु राज तुम्हारा जन्म दिवस है आज तुम्हारा जन्म दिवस गजल जो हम अब गा रहे हैं वो प्रियतम बाबा ने खुद लिखी है जब प्रियतम बाबा गजल लिखा करते थे हुमा के नाम से और बाबा के प्रियतम मेहरा को ये गजल उनका सबसे फेवरेट था लिखन पढ़न से नया लिखन पढ़न से नयार बाजी सनम का हर दम तैयार हो सनम का हर दम तैयार हो सनम का हर दम तैयार हो रात में भी विशाल होना रात में भी विशाल होना जवाब में भी सवाल होना जवाब में भी सवाल होना जवाब में भी सवाल मेहर जवाब में भी सवाल होना जब बढ़न से नयार बाजी जीवन बढ़न से नयार बाजी सनम का हर दम तैयार होना सनम का हर दम तैयार होना सनम का हर दम तैयार होना किसी को इज्जत किसी को हशमत किसी को अजमत किसी को हशमत किसी को अजमत किसी को हसनो जमाल किसी को हसनो जमाल किसी को हसनो जमाल किसी को हसनो जमाल से Thank you.
किसी को जंगल की आरज़ू है, किसी को फैशन की चाल होना है, किसी को जंगल की आरज़ू है, किसी को फैशन की चाल होना है, किसी को बिरयानी मुर्गी कुर्मा, किसी को बिरयानी मुर्गी कुर्मा, किसी को भाजी या दाल,
हे दयासागर प्रभुराज, आमच्या हातून घडलेल्या सर्व पापांबद्दल मला पश्चाताप होत आहे. असत्य, अन्याय आणि अमंगल अशा प्रत्येक विचाराबद्दल, बोलू नये अशा बोलल्या गेलेल्या प्रत्येक शब्दाबद्दल आणि करू नये अशा केलेल्या प्रत्येक कृत्याबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. स्वार्थाने प्रेरित अशा प्रत्येक कृत्याबद्दल, शब्दाबद्दल आणि विचाराबद्दल, तसेच द्वेषमूलक असे प्रत्येक कृत्य, शब्द आणि विचार यांच्याही बद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. विशेषतः प्रत्येक कामुक विचाराबद्दल आणि कामुक कृत्याबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. तसेच खोटेपणाबद्दल, सर्व प्रकारच्या ढोंगांबद्दल आणि देऊनही पूर्ण न करू शकलेल्या प्रत्येक वचनाबद्दल, लोकांच्या अनुपस्थितीत त्यांची निंदा करण्याबद्दल आणि त्यांचे दोष दाखवण्याबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. आणि विशेष करून दुसऱ्यांची हानी करणाऱ्या प्रत्येक कृत्याबद्दल, दुसऱ्यांना दुःख देणाऱ्या प्रत्येक शब्दाबद्दल आणि कृतीबद्दल, आणि दुसऱ्यांना दुःख व्हावे अशा प्रत्येक इच्छेबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. हे प्रभुराज, आमच्यावर अपार दया करून आम्ही केलेल्या सर्व पापांबद्दल आम्हाला तू क्षमा कर. तसेच तुझ्या इच्छेप्रमाणे विचार करण्याच्या, बोलण्याच्या आणि वागण्याच्या बाबतीत आमच्या हातून सतत ज्या चुका झाल्या त्यांच्याबद्दलही आम्हाला तू क्षमा कर. अवतार मेहर बाबा की जय. प्रियतम परमेश्वरा, तुझ्यावरील अधिक प्रेम करण्याकरता आम्हा सर्वांना तू सहाय्य कर. अधिक, आणखी अधिक, आणखी त्याहूनही अधिक प्रेम तुझ्याशी एक रूप होण्यास पात्र होई तो आम्ही करीत राहावे, यासाठी देखील आम्हास तू मदत कर. आणि प्रियतम बाबांचा दामन अगदी अखेरच्या क्षणापर्यंत हाती घट्ट राहावा, यासाठी देखील आम्हा सर्वांना तू सहाय्य कर. अवतार मेहर बाबा की जय. जहाँ कल्पना शब्द न पहुँचे, ऐसे अपरम्प नेति नेति तुरी अपा
रसनादन परम दयागन दिव्य सनातन परम दयागन हे जगदूतारो मेहर मन आरती स्वीकारो मेहर मन आरती स्वीकारो चंदन चर जाना भोग लगाना फूल चढ़ाना तुम्हारा ही तुमको लौटाना आए पढ़ाई करूं मेरा मन आरती स्वीकारो मेरा मन आरती स्वीकारो सकल निधि के तुम कारण हो सकल विश्व कारण हमारे हो तुम समार नहीं तुम ही हो हे सतावतारो आरती स्वीकारो मेरा मन आरती स्वीकारो सकल चराचर तुम्हारी माया माया भी तो तुम्हारी छाया तुम्हारा अंतन कोई पाया तुम हो अनंत करो मेरा मन आरती स्वीकारो मेरा मन आरती स्वीकारो अपने को जब जाई जाने महिमा तुम्हारी का पहचाने जो कुछ भी कहते अनजाने भुलगा दे तुम्हारो मेरा मन आरती स्वीकारो मेरा मन आरती स्वीकारो सीमा नाही तुम्हारी कृपा को क्या कोई दे सकता प्रभु तुमको प्रेम तुम्ही दो प्रेमी जनों को नित्य तुम्हें सुमिरो मेरा मन आरती स्वीकारो मेरा मन आरती स्वीकारो दिव्य सनातन परम दयागन दिव्य सनातन परम दयागन हे जगदूतारो मेरा मन आरती स्वीकारो मेरा मन आरती स्वीकारो फिकर ना कल का गुमान जीवन की घड़ियां
हम जी ले। हर पल बीते वो सुमिरन में, सुमिरन जो हृदय को छूले। अमर तिथि के सिलसिले सदियों तक ऐसे ही चले। तुम गाते रहना प्रेमियों, हंस हंस के चलना काफी। Oh,